एक बार ये कर लो फिर। युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने आज फिर से कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की है और जो युवाओं की समस्या है उनसे अवगत कराया। उपेन्द्र मेरे साथ मौजूद है। उपेन्द्र, किन मांगों को लेकर आज मुलाकात हुई? देखो, एक तो अध्यापक भर्ती लेवल 2 का परिणाम जल्द से जल्द जारी हो। हमने मांग किया कि जिस विषय का परिणाम तैयार हो गया उसको जारी कर दिया जाए और उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में परिणाम जारी होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है इस वीक में अध्यापक भर्ती लेवल 1-2 के परिणाम जारी हो जाएंगे, जो लगातार इंतजार करें कि आचार संहिता में भर्ती नेट के जैसे जैसे परिणाम हो और उनको बीकानेर भेजिए और उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। ये हम प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में हम सफल भी होंगे और आज अच्छा हमें इस रेस्पॉन्स मिला है। इसके अलावा जो अध्यापक भर्ती लेवल 1 में अलग अलग तरह के बेरोजगारी आप पूछे हैं कि एक तो तीनों जगह नाम नहीं है, न तो प्रोविजनल में, न पात्र में, न अपात्र में। कुछ लोगों के ज़्यादा नंबर हैं, कुछ डिवर्स कैटेगरी के, कई समस्याओं को लेकर पहुँचे। तो एक तो उन्होंने कहा कि एक और सूची दोपहर तक जारी कर देंगे। मैं आपके चैनल पे मैं बड़ी ब्रेकिंग बता रहा हूँ कि आज दोपहर तक एक चीज़ सूची जारी करने के बाद चेयरमैन साहब ने कहा, एक चीज़ और ये कहा है कि एक अलग से डेस्क लगाकर इनसे एप्लीकेशन ले रहे हैं कि हाँ आप समस्या बताएं, तो वो उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे किस कारण से आपका नाम नहीं आया और क्या कारण है। वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन लेकर इनकी एक समस्याओं को सुनने के लिए एक स्पेशल एक काउंटर लगाया गया। एक ये है कि जो प्रोविजनल है जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया, ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो जिला आवंटन होंगे चयनित अभ्यर्थियों की, तो उनके साथ इनके जिला आवंटन योग्य हो जाए प्रोविजनल में, उनको जल्द से जल्द जाँच करके योग्य करके भेजने की कोशिश ये कर रहे हैं, ये इनका प्रयास है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर बिल्कुल तैयार है, कभी परसों जारी होने वाला था, किसी कारण से जारी नहीं हो पाया और वो अब किसी वक्त यानी कि इस वीक में कभी भी वो कैलेंडर जारी हो सकता है, जिसमें सूचना सहायक, संगणक, कर्ची प्रेक्षक, अलग अलग जो भर्तियां हैं जिनके इंतजार लोग करें कि परीक्षाएं कभी, जूनियर अकाउंटेंट, तो वो कैलेंडर कभी भी जारी हो सकता है। और इसके अलावा जो और अलग अलग जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर था, एक नई भर्तियाँ जो फर्स्ट परीक्षा है, कनिष्ठ अनुदेशक है, पंचायत राज्य है, नई भर्तियों की विज्ञप्तियाँ भी जारी की जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज बड़ी संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे थे, घेराव किया था, पहले चेयरमैन सूचना सहायक के भी अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे थे भर्ती परीक्षा को लंबा सा, सूचना सहायक के भी पूछे थे, जूनियर अकाउंटेंट के भी पूछे थे, अलग संगणक के भी थे, सब ये कह रहे हैं कि हमारी भर्ती कब होगी। चेयरमैन साहब के सामने बात उठाई तो चेयरमैन साहब का ये कहना है कि आप तैयारी जारी रखिए, हम कैलेंडर जल्द जारी कर देंगे, ये उनका कहना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भर्ती परीक्षाएं जो कई सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षाएं समय पे होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि कब तक ये किराया देते रहेंगे, कब तक कोचिंग करते रहेंगे, हालात गंभीर बन चुके हैं। तो तत्काल भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करके और युवाओं को राहत देनी चाहिए। आचार संहिता लगने में अब महज 1 महीने का समय बचा है, ऐसे में वो कौन सी मांगे हैं जो जल्द से जल्द पूरी हो? पिछले दिनों 4 मांगे हालांकि पूरी हो चुकी हैं। देखो ललित जी, आपने देखा होगा कल मैं RPSC था, आज कर्मचारी चयन बोर्ड हूँ, कल बिजली विभाग हूँ। राजस्थान के तमाम नेताओं को, MLA को, सांसद को, उनको चुन के मेरे राजस्थान की युवाओं ने भेजा, सबसे बड़ा रोल युवाओं का होता है। लेकिन आज ये परेशान है, दुखी हैं, जो 1 लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण होकर उनकी विज्ञप्तियाँ जारी होनी है। 1 लाख पर क्या दिन भर्तियाँ, जिसमें 48,000 शिक्षक भर्ती है, 6,000 पे फर्स्ट ग्रेड है, 9,000 पे सेकंड ग्रेड है, PTI भर्ती है, जो तमाम भर्तियों की ज्वाइनिंग का मामला है, कोई भी नहीं उठा रहा नई भर्ती विज्ञप्ति, कोई मांग नहीं उठा। आज ये कल से बैठा कर परेशान हो रहे हैं, अलग अलग भर्ती, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। लेकिन मैं इनके साथ पहले भी था, आज भी हूँ और जल्दी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूँगा। 31 तारीख को मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मुलाकात की थी, उसके बाद लेवल 1 का परिणाम आया, 30 साल बाद लाइब्रेरियन PTI की शिक्षा में उसकी विज्ञप्ति जारी हुई, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के नियम संशोधन हुए, PTI भर्ती के संडे के दिन जिला आवंटन नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हुआ और आज फिर आए तो आज भी कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कैलेंडर भी जल्द जारी होगा, लेवल 2 के परिणाम भी जारी होना जल्द शुरू होंगे और ये जो प्रोविजनल में जो योग्य हैं उनकी भी सूची जारी होगी। लेकिन जो तमाम युवा यहाँ खड़े हैं, जो योग्य हैं, जिनके नंबर ज़्यादा हैं, उनके साथ गलत होता है, तो चाहे मुझे यहाँ आके दोबारा बैठना पड़े, मैं युवाओं के साथ बैठूंगा, क्योंकि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, युवाओं के सपने पूरे होने चाहिए, युवाओं के साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में लापरवाही या न युवाओं के साथ जो अन्याय होता है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा और चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, रोडवेज विभाग, तमाम विभागों में वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल की हुई है। हम बात के लिए शिक्षा विभाग की तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक, कई भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्तियाँ जारी हैं जिसके लिए प्रयास करें। वहीं कंप्यूटर अनुदेशक, वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करेंगे, PTI लाइब्रेरियन और अध्यापक भर्ती 2200+ पदों पर है। वहीं बिजली विभाग में भी 3,000 से ज़्यादा पदों पर है, 5,000 से ज़्यादा पदों पर अभ्यर्थना जो रोडवेज विभाग की, तो तमाम विभागों में भर्तियाँ विज्ञप्तियाँ जारी हैं जिसके लिए हम प्रयास करें, लगातार संघर्ष करें कि विज्ञप्तियाँ भी जारी हो और आचार संहिता से पहले 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हो। तमाम युवाओं के लिए जो मांग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात, फर्जी डिग्री डिप्लोमा का बड़ा खेल चल रहा है, इसके खिलाफ भी सरकार कानून लेके आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई, प्रमाण पत्र
बिल्कुल उनके खिलाफ उनके 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 खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वो फर्जी डेवर सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे वो खेल प्रमाण पत्र की बात हो, चाहे डिग्री की बात हो, सरकार को कानून लाना चाहिए और जो फर्जी पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल, युवाओं की मांग को लेकर यहाँ उपेन्द्र यादव पहुंचे थे। युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपेन्द्र यादव से गुहार लगाई है, साथ ही उपेन्द्र यादव ने बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की। ऐसे में संभावना है कि जल्द से जल्द युवाओं की समस्या दूर होगी और जो लंबित परिणाम है वह जारी होंगे, साथ ही नया भर्ती कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूँ ललित वर्मा।